तो दोस्तों त्रेता युग में एक ऋषि तपस्या कर रहा था। घनघोर तपस्या के बीच एक गधा आकर अचानक से रैकने लग जाता है। ऋषि की तपस्या भंग नहीं होती, गधे को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है इसकी तपस्या तो मैं भंग करके रहूंगा, और गधा ऋषि को जाकर खा जाता है। ऋषि की तपस्या भंग हो जाती है और ऋषि उसे थप्पड़ मारने के बारे में सोचता है, लेकिन गधे को थप्पड़ मारा कैसे जाए। तो ऋषि उसे श्राप दे देता है कि तू कलयुग में एक इंसान के रूप में जन्म लेगा और तुझे खूब थप्पड़ पड़ेंगे। इस कहानी का दिल्ली के सीएम से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हम तो आपको ये दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनमें उनका खुद का ही हाथ प्रतीत हो रहा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों आज से 3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल के साथ वही हुआ जो हर इलेक्शन से पहले होता है, थप्पड़ चट्टू। अब ऐसा होते ही विक्टिम कार्ड खेलना शुरू हो गया। लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं, मोदी की पुलिस क्या कर रही है, इस प्रकार के भयंकर एग्जाम्पल दिए जाने लग गए। लेकिन अब जरा कुछ चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दे डालते हैं। इस वीडियो को यदि हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि नीचे खड़ा हुआ एक व्यक्ति काउंट करता है। जी हाँ, कुछ इस प्रकार से काउंट करता है, 1, 2, 3। आप उसकी उंगलियां देख सकते हैं, और जैसे ही वो काउंटिंग पूरी होती है 1, 2, 3, उसके इमीडिएटली बाद एक व्यक्ति कार पर चढ़ता है और केजरीवाल को थप्पड़ रसीद कर देता है। अब जिस दिन ये थप्पड़ पड़ा था उससे पिछले दिन आतिशी मारेलीना, जो कि आम आदमी पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं, चुनाव लड़ रही हैं, वो एक इंटरव्यू के दौरान क्या कह रही थी नेताओं को पीटे जाने के बारे में, जरा सुनिए। If you were to travel with me in East Delhi someday, जो लोग जिस हालात में जीते हैं उसको देख के सोचती हूँ कि लोग पॉलिटिशियंस को मारते नहीं है ना, मुझे समझ में नहीं आता। तो क्या इस बात का ये मतलब निकाला जाए कि आतिशी मारेलीना को इस इंसिडेंट के बारे में कुछ अंदाजा था, पता था? और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार यदि हम जाए तो उनके मुंह से ये बात निकली। और इसके अलावा सुरेश चौहान नाम का जो व्यक्ति था जिसने अरविंद केजरीवाल को थपड़ाया है, वो खुद आम आदमी पार्टी के मल्टीपल इवेंट्स में पाया गया है, वीडियोस में देखिए। The man who slapped Arvind Kejriwal was spotted at an AAP rally attended by Kejriwal, and this was in March. Suresh Kaushik, the accused, was seen standing very close to the dais. अब सवाल आता है कि आखिर इस पूरे प्रकरण की रचना क्यों की गई? न्यूज में बने रहने के लिए, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए राखी सावंत क्यों बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आखिर कहती है कि मैं वर्जिन हूं, ताकि न्यूज में बनी रहे, दुकान चलती रहे। अरविंद केजरीवाल के द्वारा भी कुछ ऐसा ही काम किया गया प्रतीत हो रहा है। न्यूज में बने रहना है, विक्टिम कार्ड खेलना है। विक्टिम कार्ड क्यों खेलना है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जिस दिन थप्पड़ पड़ा है उससे पिछले दिन अरविंद केजरीवाल का एक रोड शो हो रहा था। उस रोड शो में पुलिस वाले ज्यादा थे, लोग कम थे। लोग कम थे और जो लोग थे वो क्या चिल्ला रहे थे वो भी जरा देखिए। Yeah.
और दोस्तों जिस बंदे ने खुद अटैक किया वो अब खुद मान चुका है कि वो आम आदमी पार्टी का ही आदमी था। लेकिन दोस्तों ये पहली बार हुआ है, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी कई बार ये इंसिडेंट हो चुका है। पिछले साल नवंबर महीने में अरविंद केजरीवाल के ऊपर मिर्ची अटैक हुआ था। जी हाँ, मिर्ची पाउडर से उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई थी, वो उनकी आंखों तक नहीं पहुंची थी, वो हमें भी पता था कि ऐसा होने वाला है। लेकिन उसके इमीडिएटली बाद सीधा इल्जाम मोदी पर डाल दिया गया, बीजेपी ने हमला करवा दिया है, मोदी की पुलिस क्या कर रही है, इस प्रकार से सिमिलर पैटर्न पर वो चल रहे थे। लेकिन जिस बंदे ने अटैक किया था उसकी फेसबुक प्रोफाइल पर जब हम पहुंचे थे तो पता चला था कि उस बंदे की प्रोफाइल पर पिछले एक महीने की जो पोस्ट थी उसमें हर पोस्ट पर बीजेपी जिंदाबाद लिखा हुआ है, और एक महीने से पुरानी जितनी भी पोस्ट थी उन पर कांग्रेस जिंदाबाद लिखा हुआ है। एक अविस्मरणीय आत्म परिवर्तन उस व्यक्ति में अचानक से हो गया था, यानी कि एक महीने पहले से तैयारी की गई थी कि इस बंदे को एक प्रो बीजेपी बंदा दिखाया जाए और अटैक उसके बाद करवाया जाए। एक प्रो कांग्रेस बंदे को एक प्रो बीजेपी बंदा बनाने की तैयारी एक महीने तक की गई थी और उसके बाद वो अटैक करवाया गया था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आजकल एक ही बेड पर सोते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। हालांकि इस संगम से कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो हम इस इलेक्शन में देख चुके हैं। लेकिन दोस्तों ये कड़ी इतनी छोटी नहीं है, ये तो बहुत लंबी है। अपने पूरे करियर में माही ने इतना नहीं मारा जितना केजरीवाल को मारा गया है। तो हम आपको अब वो पैटर्न दिखाते हैं जो साबित करेगा कि केजरीवाल को प्यार से डर लगता है, थप्पड़ से नहीं। 18 नवंबर 2013 को केजरीवाल के ऊपर इंक से अटैक किया जाता है। 4 दिसंबर 2013 को दिल्ली में चुनाव होते हैं, केजरीवाल अटैक करने वाले को माफ कर देते हैं। 25 मार्च 2014 को केजरीवाल पर फिर से एक इंक अटैक हो जाता है। इस बार वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ रहे थे, दिल्ली से वो भाग चुके थे, वाराणसी पहुंच चुके थे, और चुनाव से जस्ट पहले एक और अटैक हो जाता है। इस इंक अटैक के कुछ ही दिन बाद अप्रैल 2014 में इससे कुछ बड़ा किया गया, अरविंद केजरीवाल पर थप्पड़ चट्टू कर दिया गया, थप्पड़ उन्हें मारा गया। और ये वो समय था जिस समय दिल्ली के इलेक्शन होने वाले थे लोकसभा के, यानी कि ये कांड भी जस्ट इलेक्शन से पहले किया गया और उस व्यक्ति को भी माफ कर दिया गया। अब आता है 27 दिसंबर 2014 का ऐतिहासिक दिन, केजरीवाल के ऊपर भाषण देते देते पत्थर फेंका जाता है। पत्थर फेंकने वाला शांति प्रिय समुदाय से निकलता है और आम आदमी पार्टी का एक मेंबर होता है। गौरतलब बात यह है कि इस अटैक के भी एक महीने बाद दिल्ली के इलेक्शन होने वाले थे। जी हां, दिल्ली के चुनाव इसके एक महीने बाद थे और इस आदमी को भी अरविंद केजरीवाल माफ कर देते हैं। अब इसके अलावा अरविंद केजरीवाल पर एक और अटैक किया गया था जनवरी 2016 में, जिसमें भावना अरोड़ा नाम की एक लड़की जो कि आम आदमी पार्टी की ही सदस्य होती है वो एक इंक अटैक करती है। वो कहती है कि अरविंद केजरीवाल ने ऑड इवन में स्कैम किया है, सीएनजी घोटाला किया है और मेरे पास सबूत हैं, मैं उसको एक्सपोज कर दूंगी, और वो एक अटैक कर देती है। गौरतलब बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर इससे पहले भी दो इंक अटैक हो चुके थे, उसमें अरविंद केजरीवाल ने लोगों को माफ कर दिया था लेकिन इस लड़की को माफ नहीं किया गया। इसे गिरफ्तार कर लिया गया, 14 दिन तक ये पुलिस की हिरासत में रही। 2018 में अरविंद केजरीवाल से माफी मांगने के लिए दिल्ली भी आई लेकिन इसको माफ नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि चुनाव नहीं थे, लाइमलाइट नहीं मिलने वाली थी। चुनाव से पहले जिन्होंने भी अटैक किया उनको माफ किया गया और केजरीवाल अपना बड़ा हृदय लोगों के सामने रखने में कामयाब हो गए थे। इसको माफ करके क्या मिलने वाला था? चुनाव तो थे नहीं। इसके अलावा जब आप प्लैंड अटैक करवाते हो ना, तब अपने बंदे को माफ कर देते हो क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि भाई मेरा बंदा जो है वो जेल में जाए। तो दोस्तों ये इस आम के पकने का इतिहास रहा है। ये आम अब पक पक कर बिल्कुल सड़ चुका है। कितनी बार एक ही आइडिया चलाओगे? सिर्फ एक ही आइडिया, सिर्फ एक थप्पड़ का आइडिया। या तो किसी को कहो कि भाई आपको आकर कार पर चढ़कर, जीप पर चढ़कर, या तो स्टोन कोल्ड की तरह स्टनर मारे, या आपको कोई अंडरटेकर की तरह चॉक स्लैम मारे, या फिर कोई रॉक बॉटम वगैरह कुछ मार दे, या फिर भैया रकीशी पाटू का ही स्टेप कर दे। आप तो अब बोर कर रहे हो। आतिशी मारलीना को जितवाने के लिए भैया कुछ भी चल रहा है। और जरा ये भी देख लीजिए कि ये आतिशी मारलीना है कौन। दिल्ली में आतिशी मारलीना, उसके माता और पिता दोनों ने पेटिशन साइन करी हुई है अपने गुरु को बचाने की। जिसने पार्लियामेंट को उड़ाया उसको बचाने वालों को, उनके बच्चों को उसी पार्लियामेंट में जाने का टिकट दे रखा है। कैन यू इमेजिन? आतिशी मारलीना की माता प्रतिभा भाई ने स्टार चिलानी के लिए फंड रेस किया था, अफजल गुरु के बचाने की पेटिशन के लिए फंड रेस किया था,
उसकी बेटी को कह रहे पार्लियामेंट का टिकट देंगे, इसको चुनाव लड़ाएंगे पार्लियामेंट में जीतेंगे। So you will have a person inside parliament who is sympathetic to the person who want to blow the parliament up and with all the access to parliament. तो दोस्तों ये है इस भटूरे की फुलावट। अब ये भटूरा फूल फूल के फटेगा या बंद ही रहेगा हम नहीं जानते, हम तो बहुत भोले हैं, लेकिन आप इस बात को ज़रूर जानते होंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये चल क्या रहा है भाई दिल्ली के अंदर, क्या ये इंसिडेंट्स जो हैं वो हर इलेक्शन से पहले होते रहेंगे, क्या ऐसे ही चलता रहेगा? आप हमें ज़रूर बताइए। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि देश के लोगों तक भैया सच्चाई पहुँच सके। इसके अलावा आप हमें patreon.com पर सपोर्ट ज़रूर कीजिए, एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। आपका सपोर्ट बहुत वांछनीय है क्योंकि हमें एक स्टेप आगे बढ़ाता है। इसके अलावा आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं। आपको यदि नोटिफिकेशंस नहीं मिलते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस समय पर मिल सकें। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।